क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय अ होस्ट व्हेन अ ब्राउजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ रिमोट सर्वर अज्यूमिंग दैट द होस्ट हैज जस्ट बीन रिस्टार्टेड। ये हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को देखें तो HTTP गेट रिक्वेस्ट है हमारे पास में, DNS क्वेरी है एंड TCP SYN क्वेरी है। अब हमें इसकी करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है इन तीनों पैकेट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTTP गेट रिक्वेस्ट क्या होती है। ओके, ये रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास। इस रिसोर्स से डेटा की रिक्वेस्ट करती है HTTP गेट रिक्वेस्ट। ये ओनली रिक्वेस्ट करती है, ओके, ये डेटा को इन्वॉल्व नहीं करती, जस्ट रिक्वेस्ट करेंगी रिसोर्स से डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट इज DNS क्वेरी। सो ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट है, मीन डिमांड है, जो कि जो कंप्यूटर होता है यूजर का, यहाँ से जाती है DNS सर्वर के पास में, और DNS सर्वर से रिक्वेस्ट करती है जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल कोई डोमेन नेम है लाइक easyexamnotes.com, तो उस डोमेन नेम के IP एड्रेस की रिक्वेस्ट करेगी DNS क्वेरी, इस डोमेन नेम का IP एड्रेस क्या है। नेक्स्ट इज TCP SYN, मीन TCP सिंक्रोनाइजेशन। ये क्या करता है कि जो भी कनेक्शन है उसको इनिशिएट करता है एस्टेब्लिश होने के लिए। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में तीनों के बारे में समझें। तो जो DNS क्वेरी है ये क्या करती है, जो भी डोमेन नेम है डोमेन नेम के IP एड्रेस की रिक्वेस्ट करती है। जैसे कोई वेबसाइट यदि हम लोग ओपन कर रहे हैं, कोई वेब पेज हम लोग खोल रहे हैं, सबसे पहले उसके IP एड्रेस की रिक्वेस्ट जाएगी DNS क्वेरी की मदद से। जब IP एड्रेस मिल जाएगा उसके बाद क्या होगा कि जो TCP SYN है ये एस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन। अब जब कनेक्शन बन जाएगा उसके पास जो HTTP गेट रिक्वेस्ट है ये इंफॉर्मेशन की डिमांड करेगी। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले DNS क्वेरी, देन TCP SYN, देन HTTP गेट रिक्वेस्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द TCP/IP मॉडल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शंस ऑफ ब्लैंक लेयर। There are 4 layers: data link layer, network layer, transport layer and application layer. सबसे पहले हम data link layer का function देखते हैं। ओके, अगर data link layer को हम देखें तो ये एक node से दूसरे node पे data transfer करने का काम करती है, वो है data link layer। जो network layers होती है तो ये network को आपस में connect करने का काम करती है, सभी नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड रहे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, डेटा को रिसीव करती है। ओके, जो डेटा है अब इस डेटा को स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि डेटा प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक के पहुंच जाना चाहिए। जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये यूज करती है सर्विसेज डेटा लिंक लेयर की, नेटवर्क लेयर की और ट्रांसपोर्ट लेयर की। ये सबसे ऊपर की लेयर होती है, यहाँ पे होती है एप्लीकेशन लेयर, मीन जो भी डेटा आता है उस डेटा को डिक्रिप्ट करने का काम और उस डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम वो करती है एप्लीकेशन लेयर। यदि हम TCP/IP मॉडल का लेयर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, और सबसे ऊपर यदि हम लोग देखें तो हमारे पास में है एप्लीकेशन लेयर जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन फंक्शन को परफॉर्म करती है। देयर इज वन मोर मॉडल जिसे कहा जाता है OSI रेफरेंस मॉडल। हमें इस मॉडल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यदि हम देखें तो टोटल 7 लेयर्स यहाँ पे है। सबसे ऊपर जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, जो बॉटम में जो लेयर हमको दिखाई दे रही है वो है फिजिकल लेयर। देन फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर।
फ्यूचर में अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हमको वैसे रेफरेंस मॉडल की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।